हम सब आए हैं सांडन धाम माता के दर्शन करने यहाँ पर, और काली माता का यहाँ पर बहुत ही शानदार मंदिर है। तो चलिए चलते हैं सीढ़ियों के ऊपर चलकर और देखते हैं कैसे होते हैं माता के दर्शन। दोस्तों अब हम खड़े हैं सांडन धाम में और सबसे ऊपर वाले जो मंजिल है हम वहाँ पर हैं, और आप देख रहे हैं इस समय टाइम हुआ है दोपहर के 2:15 का, और सूर्यदेव अपने प्रचंड रूप में हैं यहाँ पे। करीब करीब 45 डिग्री का टेम्परेचर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, और आप देख रहे हैं कितना विहंगम दृश्य है यहाँ पर। सबसे ऊपरी मंजिल से ऐसा दिखता है ये पूरा विशाल रेगिस्तान। इन शेड्स का निर्माण अभी हाल ही में हुआ है, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए यहाँ पर ये शेड्स बनाई गई हैं धूप से बचने के लिए, क्योंकि ये तपता रेगिस्तान है। जब यहाँ पर गर्मी पड़ती है तो बहुत ही मुश्किल होता है यहाँ पर खड़े रहना। और यहाँ पर बंधे हुए हैं श्रद्धालुओं द्वारा लाए हुए बकरे जो माता को अर्पित किए जाएंगे। आजकल इनको काटने की बजाय खुला छोड़ दिया जाता है कि इसके बाद इनका कोई उपयोग नहीं कर सकेगा। और अब हम प्रवेश करते हैं मंदिर के कक्ष के अंदर जहां पर माता की मूर्तियां विराजमान हैं। दोस्तों ये मूर्तियां बताते हैं कि कभी पांडवों ने स्थापित की थी माँ काली की। ये मूर्तियां काफ़ी प्राचीन बताते हैं और ये मंदिर भी काफ़ी प्राचीन है। और यहाँ पर देखें गौर से तो माता की एक नहीं, यहाँ पर करीब करीब 3 मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य है यहाँ पर माँ के मंदिर का। यहाँ पर है श्रद्धालुओं द्वारा लगाए गए अपने हाथों के छापे और इन दीवारों पर बनी हुई शानदार प्रतिमाएं जो पत्थर पर उकेरी गई हैं भगवान विष्णु की, माँ काली की। बहुत ही शानदार यहाँ पर कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। नमस्ते की मुद्रा में यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं का चित्रण किया गया है। बहुत ही शानदार इस मंदिर का निर्माण अब हो रहा है। दोस्तों चलिए अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ की चोर गुफा। ये देखो लिखा हुआ है चोर गुफा, और इसके भीतर चलकर हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या मिलता है। तो चलिए नीचे उतरते हैं उस गुफा के अंदर। ये गुफा चोर गुफा क्यों है इसका कुछ भी पता नहीं है। गुफा तो बंद होती है लेकिन यहाँ पर कोई दरवाज़ा लगता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता है। दोस्तों गर्मी के कारण इससे आगे जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो पत्थर हैं ये बहुत गर्म हो चुके हैं और नंगे पांव इन पे रखना बहुत ही मुश्किल है, तो हम इससे आगे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पर कुछ दोस्त मिले थे, और ये जो नारियल के जो छिलके ये दिखाते हैं कि यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं और वो नारियल अर्पित करते हैं माता को। बड़ा ही बढ़िया दृश्य है यहाँ पर माता के मंदिर का। और यहाँ पर हैं ये कुछ ख़ास तरह के पत्थर जिन पर ये मंदिर बनाया गया है। ये पत्थर यहाँ पर दूर दूर तक कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। ये उस ज़माने में पता नहीं कहाँ से ये पत्थर लाए गए थे और इन पर ये मंदिर बनाया गया था।
और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कितने श्रद्धालु आते हैं और वो मन्नतों के रूप में यहाँ पर चुनिया, कपड़े, अपने रबड़ बैंड या कोई भी धागा, जो भी वो मन्नत मांगते हैं उसके रूप में वो यहाँ पर बांध कर चले जाते हैं। बड़ा ही खास दृश्य है दोस्तों। अब हम मंदिर से नीचे उतर आए हैं और फिर से हम आपको दिखाते हैं प्रवेश द्वार। ये है माता के मंदिर का प्रवेश द्वार और अब चलते हैं वापस। उससे पहले ये मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर यात्रियों की या श्रद्धालुओं के रहने की भी बढ़िया व्यवस्था है। चलते हैं वापस।